एक्सरसाइज चल रहा है। अभी मैं कितना महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ, घर पे एक्सरसाइज करता हूँ। ये डिपेंड नहीं करता कि फिटनेस फिट रहना तो एकदम जिम में जाओ, नहीं, आप घर पे भी रह के फिट रह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गाइस आप एक घंटा दो घंटे आप जिम में बिताते हैं, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग आवर्स होता है वो सारा आप बिना वर्कआउट का बिताते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, यू आर वाचिंग बीइंग अ ब्रो। तो आज मैं बहुत ही यूनिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, शायद ये मैंने इससे पहले नहीं बताया। अब हुआ क्या था गाइस, जैसे आप बहुत फिट है, आप अपनी सोसाइटी में अपना फिटनेस, या फिटनेस एडिक्टेड है गाइस, है ना, आप ऐसे पोस्ट करते या फिर आप पूरा अपने समाज में एक वायरल, मतलब वायरल हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बड़ा फिट रहता है ना, डाइट से लेकर एक्सरसाइज से लेकर हर चीज़ में बड़ा ही सही से फॉलो करता है, जल्दी ये मुझे जंक फूड्स के दुकान पर नज़र नहीं आता है, मतलब जल्दी मैं बाहर इस कुछ खाते हुए नहीं देखता हूँ। और वही लोग जब आपको शादी ब्याह में पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर आपसे सवाल हो जाता है क्या सीक्रेट है खाने पीने का, मुझे बताइए, अब इतना फिट रहते हैं। तो यही होता है, जब मैं शादी उदी में जाता हूँ तो लोग ऐसे पूछते हैं, कपूर भाई क्या है सीक्रेट, आप बाहर का भी खाते हैं, मैं शादी उदी में खा लेते, मुझे लगा तो आप तो खाते नहीं होंगे, बिरयानी चिकन इतना सारा सब्जी है, मसालेदार है। तो मैं पता है क्या बोलता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ कि फिटनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरा जबान में ताला लॉक कर लो कि कुछ मत खाओ। फिटनेस का मतलब ये है कि आप वो सब चीज़ करो, लेकिन एक लिमिट में करो, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक, अब बाहर का एकदम ऐसा नहीं खाए, बाहर का बिल्कुल खा सकते हैं, वो चीज़ खाए जो एकदम अफोर्डेबल है, जो आपके बॉडी के लिए सही है। और अब थोड़े बहुत अगर चाउमीन चिल्ली भी खा लेते हैं लिमिट में खाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब डेली की आदत नहीं बनाए और खाना है तो आप लिमिट में खाए। तो मैं उनको बताता हूँ सिंपली, यार देखिए जब मुझे पता रहता भाई कि मुझे शादी में जाना है या दोस्तों के साथ कहीं जाना है खाने पीने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताया कि मैं क्या करता हूँ, अपने डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, घर पर ही थोड़ा कम कर लेता हूँ। मुझे पता रहता है कि मैं शादी में जाऊंगा या पार्टी में जाऊंगा या फिर दोस्त के साथ जाऊंगा तो मुझे वहाँ हेल्दी फूड्स मिलेगा और अनहेल्दी फूड्स मिलेगा। अब ज़्यादा वहाँ तो ये नहीं करना है, बहुत से लोग होते हैं कि शादी उदी में जाते हैं, ऐसे वीडियोज आजकल इतने वायरल होते हैं, भाई जिम डाइट है तो खाली फ्रूट सैलेड खाए, ये बढ़िया था गुरु ये ठीक है चलेगा गाइस, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। अब ऐसा नहीं कि आप बिरयानी मत खाओ, जिनको नहीं है तो वो नहीं खाते, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, लिमिट में खाता हूँ कि भाई हाँ मुझे मेरा जो कैलोरी है पर डे का इंटेक है जिस हिसाब से मेरा चल रहा, चाहे वो मेरा डेफिसिट चले या सरप्लस चले या जो भी मेरा कैलोरी होता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे खा लेता हूँ शादी में, चाहे वो बिरयानी खाओ या सब्जी खा लो या चिकन खा लो। और मैं क्या करता हूँ कि मुझे जैसे आज शादी में जाना है तो मैं क्या करता हूँ कि घर पे जो मेरा डाइट होता है उसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, स्पेशली मैं कार्ब्स वाले फूड्स को कम कर लेता हूँ, क्योंकि पता है भाई कि शादी उदी में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा मुझे हाई कार्ब्स वाला फूड्स मिल जाएगा, प्रोटीन उतना रहेगा नहीं रहेगा लेकिन मुझे कार्ब्स ज़्यादा मिलेगा, फैट ज़्यादा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, घर पर जो कार्ब्स मेरा जो होता है, जो मेरा कैलोरी के अकॉर्डिंग 800 900 या 1000 का जो भी कार्ब्स होता है, तो मैं घर पे क्या करता हूँ 300 से 400 कार्ब्स कम कर लेता हूँ, चाहे वो चावल से करो या रोटी से करो या और भी जो भी कार्ब्स वाले सोर्स है मैं उससे थोड़ा कम कर लेता हूँ, ताकि वहाँ जाके मेरा बैलेंस हो जाए। अब ऐसा नहीं कि घर पे भी खा लिया और शादी में भी खा लिया तो भाई ऐसा आदत रहेगा तो फिर हमेशा कार्ब ज़्यादा चला जाएगा, हाई कार्ब चला जाएगा, मिस मेरा कैलोरी सरप्लस चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो मैं इस तरह से अपना कैलोरी को मैनेज कर लेता हूँ कि अगर मुझे बाहर का खाना है तो मैं घर वाला डाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब मुझे ऐसा नहीं रहता भाई हर दिन शादी में जाना है, महीने में 4 दिन जाना रहेगा तो 4 दिन ये करता हूँ, बाकी का जो रिमेनिंग डाइट्स होता है वो मैं एज यूजुअल फॉलो करता हूँ, जो हर दिन जितना मेरा प्रोटीन फैट कार्ब्स आता है। तो इस तरह मैं अपने डाइट को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं कि शादी में जा रहा हूँ तो बड़ा दिखावा कर रहे हैं भाई यही खा रहे हैं, खा लेते थोड़ा बहुत ऐसा। अब ऐसा नहीं कि एकदम भर पेट खा लो, लिमिट में खाओ जितना ज़रूरत है कि हाँ भाई इतना चलो ठीक है। और बाकी अपना एक्सरसाइज तो मेरा रहता है, इसके हाँ एक्सरसाइज करना ही करना है, हर दिन करना है या हफ्ते में 4 से 5 दिन 6 दिन या पूरा एक हफ्ता कीजिए या फिर 2 दिन, तो मेरा रहता है कि हाँ भाई एक्सरसाइज चल रहा है। अभी मैं कितना महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ, घर पे एक्सरसाइज करता हूँ। ये डिपेंड नहीं करता कि फिटनेस फिट रहना तो एकदम जिम में जाओ, नहीं, आप घर पे भी रह के फिट रह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गाइस आप एक घंटा दो घंटे आप जिम में बिताते हैं, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग आवर्स होता है वो सारा आप बिना वर्कआउट का बिताते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो, तो मेनली आपका फिटनेस एक्सरसाइज ज़्यादा मुझे अब लगता है कि डाइट पे ही डिपेंड करता है। एक्सरसाइज आप 2 घंटा कर रहे हैं और रगड़ के दिन भर खा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने एक्सरसाइज से ज़्यादा अपने डाइट पे फोकस कीजिए, तभी फिट रहोगे। और डाइट का मतलब यह है कि हर चीज़ लिमिट मिले कि कितना मुझे कार्ब्स प्रोटीन फैट चाहिए। और शादी उदी में जाए तो खाओ, ठीक है खाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अपना कैलोरी और अपना फूड्स इंटेक देख लो कि मुझे कितना है चाहिए और मैं कितना खा रहा हूँ। तो इस तरह मैं अपना डाइट को फॉलो करता हूँ अगर मैं कहीं बाहर जाके खाता हूँ, चाहे होटल हो गया गाइस या फिर शादी उदी में, तो यही रूटीन रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अपना एक्सरसाइज है, माइंड सेटअप है गाइस कि क्या करना नहीं करना। तो चलिए ठीक है, ये था गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।